हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेवाल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडोब फोटोशॉप से किस प्रकार से आप दुल्हा और दुल्हन की फ़ोटो कैसे बना सकते हैं और आपकी खुद की या परिवार वालों की फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको इसमें एक सीनरी लेके दिखाया है और फ़ोटो की कटिंग करके इस तरीके कैसे सेट की जाती है वो इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, हर टूल की जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो मैंने इसमें आपको दिखाया कि दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो के सीनरी में कैसे लगाई जाती है, जैसे करिश्मा एल्बम है और कन्वेरा एल्बम किस तरीके से बनाई जाती है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहें। ये दूल्हा दुल्हन को मैंने किस तरीके सेट किया हुआ है, इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे सेट किया जाता है ये फोटो का जो फ्रेम है कैसे मैंने सेट किया है। तो आप देखते रहे, बने रहे हमारे चैनल के साथ। और इसमें टूल की जानकारी दी जा रही है, ये टूल कौन सा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, आप एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल की सहायता से और सीनरियों को और फोटो को भी आप कर सकते हैं, आप यदि सीखना चाहते हैं तो। इसमें मैजिक टूल, क्रॉप टूल, पेन टूल और स्टैम्प टूल सब इसमें दिखाया हुआ है, बता हुआ है वो कैसे काम करते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दें दोस्तों, हम किस तरीके से टूल चला रहे हैं और ये टूल की सहायता से हम किस तरीके से फ़ोटो बना रहे हैं, तो आप इस पर पूरा ध्यान दें। और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखोगे तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। और ये देखिए, इसमें हम टूल के बारे में बताया जा रहा है कि ये टूल कौन सा है। ये कलर वाला टूल है, वो ऊपर इससे ऊपर था हैंड टूल और जूम टूल। अब हम इस स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि हमने एक सीनरी ली है जो कि हमने गूगल की सहायता से ही ली हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ फ़ोटोएँ दूल्हा दुल्हन की डाउनलोड करके हमने कटिंग करके रख रखी हैं, जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। फिलहाल हम एक फ़ोटो की कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि दुल्हन की फ़ोटो किस तरीके से हमने पेन टूल की सहायता से इसमें कटिंग की हुई है। ये हमने पेन टूल लिया हुआ है जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, पेन टूल। देखो, ये लिख रखा पेन टूल। तो यहाँ पर हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है, इसे खींच के इसको पेन टूल को चला के और आगे बढ़ते हुए गोल गोल घुमाते हुए इस टूल की सहायता से, पेन टूल की सहायता से हम इसको कटिंग करेंगे और घुमा घुमा के इस तरीके से आप भी इसे थोड़ा प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको भी कटिंग करना आ जाएगा। चाहे आप कितने ही आदमियों के बीच में बैठे हो, वहाँ से आप अच्छी जो भी आपको अच्छी फ़ोटो लग रही हो उसको आप निकाल सकते हैं और सीनरी में डाल सकते हैं। चाहे आप चार आदमियों के बीच में बैठे हो, चाहे 10 आदमियों के बीच में बैठे हो, वहाँ से आप कटिंग करके आपकी फ़ोटो को निकाल के और बढ़िया से सीनरी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने कटिंग पूरी कर दी है, देखिए। और ये हमने मिलान कर दिया है और माउस का जो राइट क्लिक है उसको दबाया हमने और मैक सेलेक्शन की सहायता से हमने इसको ओपन किया है। और इसमें हम दो नंबर फिगर डालेंगे, गणित के दो नंबर डालेंगे, जिससे ये टूल में ये देखो लाइनिंग चल गई है। इसका मतलब ये होता है इससे अच्छी कटिंग होके निकलेगी और बढ़िया तरीके से कटिंग हुई है दो नंबर पे। और भी हमने कटिंग करके पहले से रख रखी है जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। तो ये हमने आपको कटिंग करके दिखाया है, अब हमने इसको कॉपी कर दिया यहाँ से उठा के। आप उसको माउस की सहायता से भी उठा के वहाँ जाके कॉपी कर सकते हैं और वैसे भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमने ये सीनरी आपको दिखाई है, इसी को हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इस सीनरी को सेट किया है और जो दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो किस तरीके से सेट किए। ये हमने कंट्रोल टी की सहायता से हमने इसको शिफ्ट दबाकर खींचा हुआ है, इसको बड़ा किया हुआ है। अब इसके अंदर हम दूसरी फ़ोटो लेंगे दूल्हा दुल्हन की, इसको बीच में सेट करेंगे और कंट्रोल टी की सहायता से और शिफ्ट दबा के से हम इसे बड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, हमने बड़ा कर दिया है दूल्हा दुल्हन को। और यहाँ से हम तीसरी फ़ोटो लेंगे दुल्हन की,
ये हमने यहाँ से उठा के ले गए। इसमें लेयर भी बताया गया है कि लेयर कौन सी थी इसके अंदर। अब कंट्रोल टी की सहायता से शिफ्ट दबा के इसे ऊपर खींचेंगे तो ये चित्र बड़ा हो जाएगा। अब हमने चौथी फोटो दुल्हन के लिए, इस दुल्हन की फ़ोटो इसके पीछे लगाएंगे हम। यहाँ से हमने कंट्रोल, अब इसके अंदर इरेज टूल लेंगे जिससे हम इसका नीचे का हिस्से को इरेज कर देंगे। ये हमने एक और फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे और अच्छा लगे। ये दूल्हा दुल्हन के जो हाथ मिला तो है हैं और मतलब फेरे ले तो है, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। हाथ पकड़े हुए हैं ये वाली फ़ोटो, ये फेरों की है जिसको हमने क्रॉप करके इसको हाथ ही दिखाए हैं जिससे ज़्यादा बड़ी ना हो सके। और इसको हमने कंट्रोल टी की सहायता से इसको यहाँ पर सेट कर दिया है और इसको सीधा कर दिया है। अब दोस्तों इस वाली फ़ोटो को हम सेट कर रहे हैं, इसके पीछे की तरफ हमने लगा दिया है और इसको इरेज टूल से इसको नीचे के हिस्से को इरेज कर दिया है। इरेज मतलब रबर टूल से हमने इसको रबर की सहायता से इसको इरेज कर मिटा दिया है, इरेज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने F7 दबाएंगे और F7 दबाने से ये सभी फ़ोटोएं एक जगह जॉइंट हो जाएंगी। ये दबाया हमने F7। F7 दबाने से इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिससे इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, जिससे हम कंट्रोल ई की सहायता से इसे सभी को लॉक लगा देंगे, इससे हिलेंगी नहीं फ़ोटो। अब हमने कंट्रोल टी की सहायता से इसे शिफ्ट और आल्ट दबा के इसको छोटा किया है जिससे बैकग्राउंड वाइट आ गया है पीछे की तरफ और बॉर्डर बन गया है। अभी बॉर्डर हम इसमें कलर डालेंगे। अभी हमने एडिट की सहायता से स्ट्रोक में जाएंगे और स्ट्रोक से ये बताया जा रहा है कि एडिट में जाइए और स्ट्रोक की सहायता से इसमें कोई सा भी हम कलर डाल सकते हैं बॉर्डर के लिए। ये फिलहाल हम बॉर्डर डाल रहे हैं जिससे इस फोटो में और सुंदरता आ सके। तो ये हम विभिन्न प्रकार के कलर लेके आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ये हमने कोई सा भी कलर लिया, जो आपको सही लगे वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो वाइट दिख रहा है इसमें हम कलर वाला बैकग्राउंड डालेंगे, कलर वाला इसमें हमने बॉर्डर डाल दिया है और इसमें भी हम दिखाएंगे इसकी अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार के तरीके से इसमें अलग अलग कलर डाल सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे हमने कई प्रकार के इसमें बॉर्डर छांटे हैं, कलर छांटे हैं जिसमें इस बॉर्डर में हम लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पर कलर डल जाएगा। ये मैजिक टूल, इसमें जो वाइट था वाइट के अंदर हम मैजिक टूल डालेंगे, मैजिक टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम ये लाइनें आ जाएंगी, दो लाइनें और दो लाइनों के बीच में यहाँ से हम खींचेंगे तो कोई सा भी कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं। आप इसमें से देख लेना, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा हो आपको वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के आप कलर दिखा रहे हैं इसमें निकाल के, और जो आपको बेटर लगे वो आप इसमें बॉर्डर बना सकते हैं। ये फिलहाल हम बॉर्डर बना के आपको दिखाया जा रहा है, तो देखिए आप रेड और वाइट का दिखाया जा रहा है लास्ट में आपको। यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, सेट हो रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से ये बताया जा रहा है कि यहाँ से आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, आपको दिखाएंगे कि वो सीनरी और ये सीनरी सेट हो चुकी है उसी सीनरी की तरह से। ये हमने क्या है, फ़ोटो पहले से कटिंग रख रखी थी जिससे यहाँ पर टाइम ख़राब ना हो और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। अब आपको दिखा रहे हैं, देखो सेम फ़ोटो बन चुकी है इस सीनरी के अंदर, कैसे हमने ये इस फ़ोटो को बनाई थी। तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इसी प्रकार से हम करिश्मा एल्बम और कैनवेरा एल्बम बनाते हैं।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। ये कुछ फ़ोटो हमने और भी इसमें कटिंग करके रखी हुई है दोस्तों, और जिसमें ये दूल्हा दुल्हन को हमने एक दूसरे को सेट किया हुआ है एक दूसरे को आपस में देखते हुए। तो ये हमने दूसरी सीनरी ली हुई है, ये भी हमने गूगल की सहायता से सेलेक्ट की हुई है दोस्तों। और आप यहाँ से ये हमने हटा दिया है फ़ोटो को, अब दोबारा से हम इसमें सेट करके दिखाएंगे हमने ये फ़ोटो को किस तरीके से सेट करी हुई है दोस्तों। ये पहले हमने दुल्हन की फ़ोटो को सेलेक्ट किया और इसमें ये लेयर वन है, ये लेयर वन दिखाया जा रहा है कि हम लेयर वन ले रहे हैं यहाँ से। ये बैकग्राउंड तो वाइट वाला है जिसमें दिख रहा है, यहाँ हमने इसको पकड़ के भी यहाँ से ला सकते हैं या फिर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हमने कंट्रोल टी की सहायता से शिफ्ट दबा के इसको खींचा है जिससे फ़ोटो बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हम ये जो दूल्हा खड़ा हुआ है इसको हम यहाँ से उठाएँगे, और लेयर फोर है ये दोस्तों, लेयर फोर को यहाँ से उठा के ले जाएंगे ऐसे पकड़ के और उसमें डाल देंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको खींचेंगे, इसमें आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबाएंगे और थोड़ा इसको नीचे सेट करेंगे। ये सेट कर दिया, अब ये दूल्हा छोटा पड़ रहा है तो हम इसको शिफ्ट दबा के इसको कंट्रोल टी की सहायता से हमने बड़ा कर दिया है। पर यह तिरछा अभी देख रहा है तो इसमें हम कंट्रोल टी फिर दोबारा से लगा के हम इसमें हॉरिजेंटल कर देंगे तो इसका जो दिशा है विपरीत हो जाएगी। ये देखिए दिशा है, हमने इसकी देखने की दिशा है इसकी विपरीत कर दी है, जो दोनों आपस में ऐसे लग रहा है देख रहे हूँ, ये फ़ोटो इसको देख रही है और ये फ़ोटो इसमें देख रही है, एक दूसरे को देखते हुए हमने सेट कर दिया है। इसी तरीके से फोटोग्राफर इसको सेट कर देते हैं, और नीचे से हमने इरेजर टूल की सहायता से दुल्हन का नीचे का हिस्सा को इरेज कर दिया जिससे और सुंदरता आ सके। इसमें देखो ये और सुंदर फोटो हो चुकी है, हमने इरेज टूल की सहायता से फिर इसको वापस ही F7 दबाया और कंट्रोल ई से हमने फ़ोटो को लॉक लगा दिया है। लॉक लगाने से क्या है, फ़ोटो हिलेंगी नहीं, और हमने कंट्रोल टी की सहायता से शिफ्ट दबा के शिफ्ट और आल्ट दबा के इसको छोटा किया जिससे ये इसमें बॉर्डर बन गया है, वाइट बॉर्डर बन चुका है। अब इसमें हम कलर डाल के आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा इसमें कलर अच्छा लगेगा, और इसमें एडिट में जाएंगे तो हम स्ट्रोक लेंगे और स्ट्रोक से आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर वाला जो बॉर्डर है वो लगा सकते हैं। अब इसमें जो वाइट दिख रहा है इसमें मैजिक टूल हमने डाला है, मैजिक टूल से ये लाइनें चलने लगती हैं दोस्तों। और यहाँ से हमने कलर को देखिए, दोबारा से हम कलर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं कि इसमें कौन सा कलर आप सेट करके लगा सकते हैं और कौन सा इसमें अच्छा लगेगा। इसमें सभी कलर आप लगा के देख सकते हैं कौन सा आपको बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए सभी कलर आपको हम दिखा रहे हैं जिससे और सुंदरता इस फोटो में आ सके। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने माँ बाप या आपके यार दोस्त और या आपकी खुद की फ़ोटो को आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए इसमें यही वाला कलर अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और इस ये फ़ोटो सेट हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से आप ऐसी फ़ोटोएँ बना सकते हैं। हम कन्वेरा और करिश्मा एल्बम के हमने बनाई हैं और हमें इसकी जानकारी थी जो आपको डाल दी है दोस्तों। और भी आगे की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें जिससे हम और वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल है मेवाल टेक्निकल के नाम से दोस्तों, इसमें हम बताया जा रहा है कि दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए मेवाल टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को जल्द ही हम आपको भेजेंगे, जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।